अब श्री रविंदर जी, रविंदर जी, रविकिशन जी, रविकिशन जी, सर प्रदान करने के लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। रवि किशन जी के बाद भानु प्रताप सिंह वर्मा, उनके बाद श्रीमती सुप्रिया सुले जी। शुरू करो रवि किशन जी। मुझे शून्यकाल में बोलने का अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। आज मैं सदन का ध्यान अपने देश के एक बहुत बड़ी समस्या की तरफ दिलाना चाहता हूं। हम सब जानते हैं कि हमारे देश में ड्रग ट्रैफिकिंग, ड्रग एडिक्शन की समस्या बढ़ती जा रही है। हानिकारक दवाओं के सेवन के माध्यम से देश की युवा पीढ़ी को बर्बाद करने की साजिश रची जा रही है। मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इस साजिश में हमारे पड़ोसी मुल्कों का हाथ है। प्रतिवर्ष चीन और पाकिस्तान के रास्ते देश में भारी मात्रा में नशे की दवाइयों की तस्करी होती है, मंगाई जाती है। पंजाब के रास्ते, नेपाल के रास्ते, और नशे की दवाइयां हमारी फिल्म इंडस्ट्री में भी इसके एडिक्शन करवा दी। अरे सुनो यार, हमारी वो एडिक्शन आज हमारी सरकार ने कई लोगों को पकड़ा है, पकड़े जा रहे हैं। एनसीबी इज डूइंग वेरी गुड वर्क, बट महोदय दुख की बात है कि इस प्रकार की गतिविधियां हमारी इंडस्ट्री के द्वारा भी, जहां पे एक स्टारों को देखा जाता है, उनको रोल मॉडल माना जाता है। तो मैं आपके माध्यम से केंद्र सरकार से आग्रह करता हूं, अपनी सरकार से, जो हिसाब से आज हम लोग एकदम इनको चारों तरफ पकड़ रहे हैं, तो ये सख्त कार्रवाई की जाए, दोषियों को जल्द पकड़ा जाए, उन्हें उचित सजा दी जाए, तथा पड़ोसी देशों की जो साजिश है युवा पीढ़ी को बर्बाद करने की, उस पर रोक लगाई जाए। महोदय धन्यवाद। माननीय सदस्यगण, में पीछे वाले माननीय सदस्य